दोस्तों आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा चाइना से खरीदे हुए कुछ एग्रीकल्चरल ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियारों का सप्लाई किया जाता है। इवन हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में यह भी सुने होंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे कई सारे ड्रोनों को पंजाब और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मार गिराया गया। पर दोस्तों अब इन चिंताओं को दूर करने के लिए इंडिया की तरफ से भी एक बड़ा तैयारी किया जा चुका है और ये तैयारी है एंटी ड्रोन सिस्टम। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि DRDO इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एंटी ड्रोन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर रहा है ताकि ऐसे रोग ड्रोनों को भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सके। और खबर ये भी है कि जल्द ही VSF को ऐसे इक्विपमेंटों के साथ लैस भी किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टमों में एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और ये एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी भी रोग ड्रोन के कम्युनिकेशन को आसानी से तोड़ सकता है, जिससे ड्रोन को कंट्रोल करने वाले और ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इससे ड्रोन बेकाबू होके ऊपर से नीचे गिर जाएगा। BSF के तरफ से बीते कई सालों से ऐसे इक्विपमेंटों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान द्वारा इन ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से भारत के अंदर नशेले पदार्थ और हथियारों का खेमे भेजने का कोशिश किया जाता है उसे नाकाम किया जा पाए। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हाल ही में जानकारी ये भी मिल रहा है कि ऐसे इक्विपमेंटों का बड़े मात्रा में ट्रायल भी चल रहा है और ट्रायल में जो रिपोर्ट आया है उसे लेके एक डिटेल रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के सामने पेश भी किया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बेस पे ही BSF के लिए ऐसे इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ऐसे ड्रोनों को कंट्रोल करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेरी लो लेवल में 3 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज तक होता है, जबकि वेरी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी में ये 300 GHz से लेके 3000 GHz तक होता है। और ऐसे ही कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए DRDO द्वारा इन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अब इस तरीके का ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए बहुत तरीके का इलीगल हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। इवन ड्रोन के मार्केट को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 15 साल के अंदर ड्रोन का मार्केट करीबन $50 बिलियन का होगा और ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा भी बड़े मात्रा में किया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान जैसे देश जो अपने नागरिकों को बेसिक जरूरत के सामान नहीं दे पाता है। इवन जहां पे आए दिन महंगाई बढ़ रहा है वो देश हमेशा से यही ताक पे रहता है कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जा पाए और ऐसे नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उसे भी तोड़ना काफी ज्यादा आवश्यक बन चुका था। दोस्तों माना जा रहा है कि ड्रोन के मार्केट के साथ साथ फ्यूचर में ऐसे एंटी ड्रोन के मार्केट भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को काउंटर करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के पास ऐसे इक्विपमेंट भी होना चाहिए। और DRDO जिस तरीके का इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट कर रहा है वो एक तरफ जहां पे आर्म फोर्सेस के रोग ड्रोन की चिंता को कम करेगा तो वहीं पे अन्य देशों को सप्लाई करके भी एक बड़े मात्रा में रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।